Very good afternoon to everyone and welcome back in the class of important question series. Now we will do important questions of chapter 12, which is biotechnology and its application. See, the marks of this chapter is 5. Kitne number ka hai? This is of 5 marks, in which you will see MCQ जो है वो एक आने वाला है, 1 mark का क्वेश्चन है. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा वो एक आएगा, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे 1.5 marks के, वो 2 questions आने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें से मेजर क्वेश्चंस जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 1.5 marks के, वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर ये शॉर्ट और MCQ नहीं आता है तो फिर. ठीक है ना, तो देखिए हम पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या जो रेगुलर जनरली पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज ह्यूमुलिन. ह्यूमुलिन क्या है? तो इट इज अ टाइप ऑफ इंसुलिन. व्हाट इज दिस? इट इज अ टाइप ऑफ इंसुलिन. ये इंसुलिन का टाइप है जो हमने RDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू बना. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटी कॉटन. बीटी कॉटन कौन सा है जो आपके सामने 4 options है. तो देखो options के अंदर क्या आता है, हेरी कॉटन, लिंट कॉटन, इंसेमिनल कॉटन और किलर कॉटन. तो बीटी कॉटन इज नोन एज किलर कॉटन. किस नाम से जाना जाता है ये? किलर कॉटन के नाम से. क्यों जाना जाता है ये किलर कॉटन के नाम से? बिकॉज बेसिलस थुरिएंजिएंसिस का जो जीन है क्राई जीन, वो आपके आर्थ्रोपोड्स है जो लेपिडोप्टेरेंस है उनकी गट के अंदर जाके एक्टिव हो जाता है, क्योंकि एल्केलाइन मीडियम से वहां मिल जाता है. एंड बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ क्राई जीन इट विल क्रिस्टलाइज. वो अपना फॉर्म जो है फिजिकल फॉर्म चेंज कर लेता है और क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है. क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रोटीन डेवलप हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दीज क्रिस्टल्स द इंटेस्टाइन ऑफ दैट लार्वा ऑफ दैट इंसेक्ट सॉरी स्टार्ट टू रप्ट. ठीक है, फटना शुरू कर देती है, या फिर हम कह सकते हैं देर इज अ स्टार्टिंग ऑफ पोरेशन. वहाँ छोटे छोटे से खड्डे होने लग जाते हैं. जैसे ये इंटेस्टाइन चल रहा है, ये आपको स्मूथ सरफेस नजर आ रही है, अब इसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे जो है पोर्स डेवलप हो जाएंगे. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज किलर कॉटन. ये जो है उन आर्थ्रोपोड्स को मार देता, ये वाला कॉटन. ठीक है, नाउ जो हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी है, ये इसका यूज सबसे ज्यादा कौन से फील्ड में किया जाता है? मैक्सिमम यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अकर्स इन मेडिकल लाइन, है ना. बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारी मेडिसिंस जो है वो बनाई जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेफिशिएंसी ऑफ ADA, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ ADA एंजाइम कैन बी क्योर थ्रू. किसके थ्रू क्योर की जा सकती है? तो ऑप्शंस के अंदर क्या दिया जा रहा है? अगर ऑर्गन्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम है, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, बोन मैरो है या फिर बोन है, या फिर आपको ये दिया जा रहा है कि ADA में हम डायरेक्ट जीन थेरेपी दे रहे हैं, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा. अगर वो आपको एक टेक्निक पूछा जा रहा है तो इट इज थ्रू जीन थेरेपी. और अगर वो ऑर्गन के नाम से पूछ रहा है आपको ऑप्शंस के अंदर, तो वो है आपका बोन मैरो. क्लियर? और अगर आपको मेथड या फिर टेक्निक पूछ रहा है तो इट इज अ जीन थेरेपी. क्लियर? तो ये
इस तरीके से आपके रहेगा. नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और विच कैन बी मैनिपुलेटेड फॉर आवर बेनिफिट आर नोन एज ट्रांसजेनिक्स. क्या कहेंगे उन्हें? ट्रांसजेनिक, जिनके अंदर जेनेटिक मैनिपुलेशन हुआ है. जेनेटिक मैनिपुलेशन. For our benefit. ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक्स के नाम से जानते. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रीटमेंट फॉर कैंसर थ्रू ट्रीटमेंट फॉर कैंसर थ्रू बायोटेक्नोलॉजी इज कौन सा है? तो इंटरफेरोंस जो है वो हमने यूज किए. क्या है? इंटरफेरोंस. FEA. ठीक है, इंटरफेरोंस. ये है आपके बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो ट्रीटमेंट हमने बनाया है, दिस इज द इंटरफेरोंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस वी हैव अ स्पेसिफाइड जीन इन गोल्डन राइस विच कैन सिंथेसाइज. गोल्डन राइस में जो जीन है वो क्या सिंथेसाइज कर रहा है? आपका विटामिन ए. विटामिन ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैरायटी ऑफ टोमेटो एज ए ट्रांसजेनिक. ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ टोमेटो. ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ टोमेटो क्या है? ऑप्शंस के अंदर देख लेना क्या दिया गया है. वैसे आपके आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा फ्लेवर सेवर टोमेटो. फ्लेवर सेवर टोमेटो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Firstly, used gene therapy. सबसे पहले जीन थेरेपी जिसके अंदर यूज की गई है वो क्या है? आपका एडिनोसिन डाइएमिनेज डेफिशिएंसी. जो हमने अभी एडी एंजाइम पढ़ा है, क्या है? एडिनोसिन डाइएमिनेज. है ना, लिख देती हूँ मैं. एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी. इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इम्यूनिटी वीक हो जाती है. WBC प्रोडक्शन नहीं होता ना, तो इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है. इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाएगी. ठीक है, एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम. क्लियर. नेक्स्ट जो है अब हम लेंगे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की. वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है? यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चन आस्क किए गए, ठीक है, मोस्टली आस्क क्वेश्चंस इन आवर बोर्ड एग्जाम आर
very short question. What is genetic engineering? What is genetic engineering? Genetic engineering क्या है? Genetic engineering क्या है? तो it is a technique. To form de novo organism, by recombination of desired gene into already existing genes for a benefit is known as genetic engineering. उसे हम क्या कहेंगे? Genetic engineering. Next question है, what are transgenic animals? Yeah, what is transgenic? Transgenics क्या है? What are transgenic? तो genetically modified. Organisms for human welfare is known as transgenic. उन्हें हम क्या कहेंगे? Transgenic. Clear? These are transgenic. Next question. BT cotton is made up of by which bacteria? मीन्स आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज बीटी, बीटी क्या है इसके अंदर? तो इट इज अ बेसिलस, बेसिलस थुरियनजिएंसिस, बेसिलस थुरियनजिएंसिस, ठीक है, विच इज बीटी, जो बीटी के नाम से जाना जाता है. Next question number 4. Which protein is present in transgenic rosy cow? Rosy cow के milk के अंदर कौन सा protein present है? तो कौन सा है? Alpha lact albumin, alpha lact albumin is present in rosy cow. Next question, which method of biotechnology or which technique is used for the test of AIDS? AIDS ke test ke andar kaun si methods use ki jati hai? Agar methods pooch raha hai aur method pooch raha hai to ELISA है ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है इसी के अंदर डिनोट करते. कौन कौन सा है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. और अगर मेथड्स पूछ रहा है तो आप पीसीआर भी लिख सकते हो, पॉलीमर चेन रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. By RNAi, RNA interference, which pathogen is treated? Which pathogen is
क्लू आर एन ए आई. तो कौन सा ट्रीट किया हमने, एक निमेटोड था मेलोडी गायनी, मेलोडी गायनी इनकॉग्निशिया, इसका ट्रीटमेंट हमने किया है. जो किसमें, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इन्फेक्शन किसमें दे रहा है, तो टोबेको, टोबेको प्लांट में भी इन्फेक्शन दे देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है विच ट्रांसजेनिक एनिमल इज हाई इन इट्स नंबर. कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल आपसे अभी सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, तो 95% जो है सबसे ज्यादा बनाए गए है वो है ट्रांसजेनिक रेट. रैट्स जो है सबसे ज्यादा बनाए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जी ई ए सी की फुल फॉर्म लिखना है. तो क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव कमिटी, क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव. कमिटी में डबल एम आता है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव कमिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच इज द इंडियन ऑरिजिन स्पीशीज पेटेंट बाय अमेरिका. इंडियन ओरिजिनेटेड वेराइटी इज पेटेंट बाय अमेरिका. कौन सी है, बासमती राइस. बासमती राइस, ठीक है, बासमती राइस का पेटेंट किसने करवा लिया था, अमेरिका ने. बायोपायरेसी करी थी, पायरेसी नहीं कह सकते, एक्चुअली इंडिया वाले बेवकूफ थे जो ये भूल गए थे कि हमें पेटेंट करवाना है. तो ये सब इस तरीके की झोलमेल से बचने के लिए हमने क्या किया है, ये जेनेटिक करी अप्रूव्ड कमिटी है, ये अप्रूव करेगी आपके जो भी आपने बनाया ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो भी बनाया, सही है नहीं है, फिर उसका पेटेंट आगे लीगल प्रोसीजर होता है, ठीक है. तो बासमती राइस ऐसा था जो इंडिया वाले भूल गए थे पेटेंट करवा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बायोटॉक्सिन इज प्रेजेंट इन बीटी, बेसिलस थुरिएंजिएंसिस और बीटी कॉटन, कुछ भी पूछा जा सकता है कौन सा बायोटॉक्सिन है, तो इट इज अ क्राई. जीन भी पूछा जा सकता है कि इंट्रोड्यूस कौन सा करवाया, तो क्राई जीन हमने इंट्रोड्यूस करवाया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है व्हाट इज अ जीएमओ, जीएमओ की फुल फॉर्म लिखनी है. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ये है आपका जीएमओ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये आपसे पूछ रहा है व्हाई एडीए इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन, एडीए क्यों जरूरी है फॉर द इम्यूनिटी, फॉर इम्यून सिस्टम भी कह सकते हो आप, इम्यून सिस्टम लिख देते हैं, ठीक है, या फिर आप कह दो कि लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट के लिए तो वो भी सही है, या फिर इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए वो भी सही है, लेकिन लिखना आपको इम्यूनिटी के रिगार्डिंग ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
Which cry gene is used for the corn borer gene, borer disease? कौन सा क्राइजीन जो है कॉर्न बोरर डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमने यूज किया है? क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई सेकेंड ए सी या फिर क्राई सेकेंड ए बी? तो ये कौन सा है आपका? क्राई फर्स्ट ए बी, ठीक है, ये हमने यूज किया है। सो दीज आर द सम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो डायरेक्ट वन मार्क के क्वेश्चन है आपके। अब जो है हम लेते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनमें से दो क्वेश्चंस तो है आपके फिक्स बनेंगे ही बनेंगे। तो अब देखो इनकी कुछ ही डेफिनेशंस होगी जो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगी, और कुछ में अगर डायग्राम बनाना पड़ा तो नो डाउट हम डायग्राम भी बना लेंगे। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, Why cryogen does not harmful for bacillus own cell, bacillus thuringiensis own cell? तो देखो BT जीन हम कह रहे हैं कि हम बेसिलस से उठा के लाए, ठीक है, हम बेसिलस से उठा के, तो ये बेसिलस के अंदर क्यों नहीं हार्मफुल है, ये बेसिलस के अंदर क्यों नहीं हार्मफुल है? तो इसका रीजन क्या है कि क्यों नहीं हार्मफुल है ये बेसिलस के अंदर, कि बेसिल ये जो क्राइजीन है इसको एक्टिवेट होने के लिए क्या होते हैं, अल्कलाइन मीडियम की जरूरत पड़ती है, अल्कलाइन मीडियम की जरूरत पड़ती है जो आपको उन बोरर्स के गट में या फिर जो भी इन जीन्स को खाने वाला कीड़ा है, इंसेक्ट है, लार्वा है, आर्थ्रोपोड है, उनके गट के अंदर अल्कलाइन मीडियम बनता है, तो वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली बेसिलस थुरिएंजिएंसिस जो बैक्टीरिया उसके अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लियर? तो इसको एक्टिव होने के लिए क्राइजीन ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में, इसको एल्किलाइन चाहिए, और ये क्या हो गया, क्राई एक्टिव हो गया, इनएक्टिव लिख दो और ये कैसा है, एक्टिव है। That's why ये उनके अंदर एक्टिव नहीं हो, ठीक है। What is the effect of pro-insulin? Pro-insulin. If human beings are treated with pro-insulin, then what will be the effects? क्या effects होंगे? It causes allergy. ये क्या है, एलर्जीज कॉज करेंगे, एलर्जीज को कॉज करने लग जाएंगे, ये इसका इफेक्ट, ठीक है ना, मेन इफेक्ट एलर्जीज को कॉज करना हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोपायरेसी? बायोपायरेसी तो नॉन ऑर्गेनाइजेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू जो भी हमने दिया है उसका कोई यूज नहीं कर सके, वो बायोपायरेसी कहलाता है। तो प्रॉपर जो डेफिनेशन है ना, ये मैंने बना के बोली, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, प्रॉपर हमारी बुक के अंदर डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, तो उस डेफिनेशन को आपको ढंग से लर्न करना है और ढंग से ही उसके अंदर लिखना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द टू बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक्स के दो बेनिफिट बताइए। तो पहला तो आप बीटी कॉटन का बेनिफिट बताएंगे, ठीक है ना, क्या बेनिफिट हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया ना, कॉटन कितना महंगा आता है, बहुत महंगा बिकता है ना, और अगर कॉटन की पूरी क्रॉप खराब हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहला तो आप क्या लिखोगे इसको, जो भी है कि भाई
प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमने बनाया, न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने के लिए हमने बनाया है, कोई भी जैसे गोल्डन राइस का एग्जांपल लेके बता सकते हो, या फिर आप फ्लेवर सेवर टमाटो है वो लेट डिले राइपनिंग होती है उसके अंदर, टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वैक्सीनेशन टेस्ट? वैक्सीनेशन टेस्ट क्या होता है? तो वैक्सीन जब भी हम डेवलप करते हैं कोई भी चीज की, किसी भी डिजीज की वैक्सीन जब हम ट्रीट करते हैं, तो उनको सबसे पहले किसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है? ट्रांसजेनिक्स के ऊपर। तो अब उसके अंदर डालने पर, वो वैक्सीन उसके अंदर देने पर, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं या नहीं आए, वो सब हम उसकी स्टडी करते हैं। तो उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अगर नेगेटिव है तो वैक्सीन जो है वो सक्सेसफुल, ट्रायल सक्सेसफुल नहीं होता है। अगेन कोशिश करो आप फिर से बना, और सक्सेसफुल है कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वो हार्मफुल दिखाई नहीं हमें, ना बहुत ज़्यादा बीमार है, ना अर्ली इफेक्ट है, ना लेट इफेक्ट है, तो वो सक्सेसफुल, देन कमर्शलाइजेशन किया जाता है। एंड दिस इज द वैक्सीन टेस्ट। ठीक है, डीले राइपिन टमाटो कौन सा है? फ्लेवर सिमर टमाटो। देखो इसका क्यों बनाया, मैंने आपको कहा डीले राइपनिंग, इसका छिलका इतना मोटा, जनरली अगर हम टमाटो थ्रो करते हैं ना तो ब्रस्ट हो जाता है, लेकिन फ्लेवर सिमर टमाटो को आप थ्रो करोगे ना वो फटेगा नहीं, तो मतलब वो काफी दिनों तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको ट्रांसजेनिक्स के कुछ बेनिफिट्स लिखने, तो कुछ भी जो भी एग्जांपल, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टमाटो, बीटी कॉटन, पर्पल कॉर्न, पर्पल कैबेज, ये आपका क्या आ रहा है, ब्रोकली आ रहा है, इसकी भी बहुत सारी डिफरेंट कलर्स ऑफ कैप्सिकम, ठीक है, पोमेटो हमने बना दिया, सुपर पोटैटो हमने बना दिया, तो जो भी बेनिफिट आपको नजर आए वो इसके अंदर आपको लिख देना। और आप इसमें जब ट्रांसजेनिक्स के बेनिफिट के अंदर पढ़ोगे ना, तो आपने इंसुलिन बना लिया है, आपने क्या किया है सिंगल सेल प्रोटीन का यूज कर लिया है, और आपने क्या किया है रोजी का, वो भी मैंने बताया भी था आपको पीछे, कहीं आइडिया होगा, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, मतलब मिल्क के अंदर प्रोटीन जो है वो ज्यादा बन गया, ठीक है ना। तो बस यही क्वेश्चन है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछेंगे इससे, लेकिन आ जाता है तो राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, कंप्लीट जो 5 स्टेप्स है वो आपको समझा दें, कौन कौन से है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए और डिजायर्ड जीन, फिर आइसोलेशन, फिर इंसर्शन इनटू वेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू वेक्टर, जिसके अंदर आपको प्लाज्मिड को समझाना है, फिर आपको क्या करता है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इकोलाई बैक्टीरिया, फिर ट्रांसफॉर्म इनटू और ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल, और फिर क्या करना हमें इवैल्यूएशन टेस्टिंग देन कमर्शियलाइजेशन। सो दीज आर द सम स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।